नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल स्पेशल केक, और ये मेरे लिए काफी स्पेशल था। मैंने पहली बार इस तरह का केक बनाया है और मुझे बहुत दिन नहीं हुए हैं बेकिंग के शुरुआत किए, और मुझे ये पहली बार केक बनाने का मौका मिला है। मुझे ईद के मौके पर मुझे ईद स्पेशल केक बनाना था, और ये 300 ग्राम वाला केक था, और काफी लोगों को ये 300 ग्राम वाला केक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, और उन्हें पाइनएप्पल फ्लेवर में ये केक चाहिए था। और जिनका ये केक है वो मुझसे तीसरी या चौथी बार केक लेके जा रही हैं, और मुझे काफी अच्छा लगा कि उन्हें मेरे हाथ का केक बहुत पसंद है। और हर बार मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छा केक बना के दूँ। जितना भी कोशिश होता है मेरा कि हर बार कुछ नया कुछ अलग करूँ, ताकि मेरे क्लाइंट मेरे कस्टमर काफी मुझसे हैप्पी रहे और वो हर बार मुझसे ही केक लेके जाएं। हर बार मेरी कोशिश यही होती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी क्रीम को फैला लिया है, और उसके बाद मैं इसे अच्छे से लेयरिंग कर दूंगी। और कभी भी अपने केक की लेयरिंग के लिए जब आप सोक करते हैं, तो आप थोड़ा सा वाटर में वो क्रश मिला दे जिसका आप केक बना रहे हैं। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर में केक होने वाला है, तो मैंने यहाँ पर अपने पानी में थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश मिलाया है, और मैं यहाँ पर पाइनएप्पल के चंक्स भी मिलाऊंगी। काफी टेस्टी लगता है खाने में। और इसकी प्राइस मैंने क्या ली है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और काफी ये डिजाइनर केक था और काफी उन्हें पसंद आया, मुझे भी बेहद अच्छा लगा। और जब वो केक लेने आई तो मेरी आधी से ज्यादा डेकोरेशन बाकी थी, मींस फॉन्डेंट वर्क इसमें बाकी था मेरा करना। तो उनके आने के बाद मैंने ये उनके सामने ही सारी चीजें की ऑलमोस्ट, और बाकी मैंने ये क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था, और केक की फाइनल आइसिंग भी कर दी थी। और आजकल मोस्टली केक ऐसे ही होते हैं जिसमें फॉन्डेंट वर्क होता ही होता है। तो अगर आप फॉन्डेंट वर्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो ये भी आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल मार्केट में कस्टमाइज केक ज्यादा चलते हैं, ज्यादा डिमांड में है। हर किसी को थीम वाली केक ही चाहिए, और थीम वाली केक मोस्टली जो है फॉन्डेंट से ही बनता है, आप क्रीम से नहीं बना सकते। रेयर कभी कोई केक बन जाता है, लेकिन मोस्टली जो केक्स हैं वो फॉन्डेंट से ही बनते हैं, थीम केक। तो इसलिए फॉन्डेंट का नॉलेज भी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो एक बनाऊंगी, अगर आप बोलेंगे तो। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्रम कोट करके अपने फ्रिज में इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था, और इसमें डिजाइन पहले से ही कस्टमर ने मुझे भेजा था, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। वरना कई बार क्या होता है कि इतने सारे डिजाइन्स दिमाग में होते हैं, और मैं सारे डिजाइन्स अपने केक के ऊपर एक बार जरूर बनाना चाहती हूँ, तो इस चक्कर में कई बार इतना ज्यादा सोच में पड़ जाती हूँ मैं कि कौन सी डिजाइन जो है केक के ऊपर डालूं। तो अगर क्लाइंट खुद से कोई डिजाइन भेज देता है तो हमारे दिमाग में एक सेट रहता है कि हमें यही डिजाइन डालनी है, तो इसलिए मुझे ज्यादा सोचने नहीं पड़ा इसके ऊपर। और फिर जिस तरह से डिजाइन था मैं आगे आपको भी दिखाऊंगी। और फॉन्डेंट का वर्क बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन रेनी सीजन में जहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है वहां पे वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है फॉन्डेंट के साथ। और अगर आपके पास एसी है तो आप एसी में काम करें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी फॉन्डेंट से काम करते समय। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ मेरे पास कोई एसी कोई कूलर नहीं है, और मैं बिना एसी के ही अपना काम जो है करती हूँ, और अभी तक ऐसी दिक्कत तो नहीं आई है। और अगर आगे कोई दिक्कत आएगी फॉन्डेंट से रिलेटेड तो मैं वो भी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। और बस मैंने यहाँ पर एक फाइनल फिनिशिंग दे दी है क्रीम से, और उसके बाद मैं फॉन्डेंट का वर्क करूंगी। और मुझे बनाना था यहाँ पर एक मून, और कुछ स्टार्स बनाने थे, और दो स्टार्स मुझे स्टैंडिंग पोजीशन में लगाने थे। मैंने उसे कैसे लगाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वो कहाँ मिलते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं दो मून काटूंगी, और आप देख सकते हैं कि मैं कितना इजी तरीके से मून बना रही हूँ। एक ढक्कन की हेल्प से मैंने दो मून काटे हैं सेम साइज के, और मैं इसे चिपकाऊंगी, और एक टूथपिक की हेल्प से इसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करने वाली हूँ केक के ऊपर।
और बस इसे पानी से थोड़ा सा मैं चिपका दूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और मेरे पास बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था इस केक को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट को ये 1 बजे लगभग दोपहर के केक चाहिए था, और वो आने के बाद मैंने लगभग 1 30 मिनट्स मैंने उन्हें बिठाया, क्योंकि मेरा ये फॉन्डेंट वर्क हुआ ही नहीं था। एक हाउसवाइफ के लिए घर के काम और केक बनाना और बाकी सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हम फिर भी ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा बेकिंग पसंद है करना, इसलिए मैं इस काम को करती हूँ। अदरवाइज दूसरा और कोई रीज़न नहीं है। मुझे केक की आइसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जस्ट मैंने छोटा सा एक अपना होममेड बेकरी शुरू किया है। और अगर आपको भी इस तरह से काम करना पसंद है तो आप भी एक होम बेकर्स बन सकते हैं अच्छे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो केक से रिलेटेड, फॉन्डेंट से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का, और जितना मुझे आता है मैं उतना तो ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम 100% नॉलेज तो नहीं गेन कर सकते हैं जब तक हम उस पर काम ना करें। तो जितना मैंने अभी तक काम किया है वो सारी नॉलेज तो मैं आपको दे ही सकती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ले लिया है गोल्डन डस्ट, और इससे मैं इन सारे स्टार्स को अच्छे से कवर कर लूँगी, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था बनने के बाद। और मेरी क्लाइंट यहाँ पे आ चुकी हैं, और जस्ट मैं उनके सामने ही ये सारा डेकोरेशन यहाँ पर लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक पतला सा वायर जो है स्टार के अंदर लगाया है, और ये वायर आपको मिल जाएगा स्टेशनरी शॉप में काफ़ी इजी तरीके से। तो इस तरह से आप खरीद सकते हैं वायर, और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था पतला सा हमारा यहाँ पर वायर। और ये टूथपिक से मैं अगर इसे लगाती तो शायद ही इतना अच्छा नहीं दिखता। तो बस ये यहाँ पर मैंने कुछ स्टार्स लगा लूँगी। ये गोल्डन कलर वाला मेरे सामने ही मेरी क्लाइंट थी, और उनने मुझसे कहा कि आप यहाँ पर ईद मुबारक भी लिख दीजिए। और इस तरह के कभी भी आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो आप कभी भी डेकोरेशन जो है उसकी साइज़ के अनुसार सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर छोटा केक है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी जब आपके क्लाइंट आपको कोई भी डिज़ाइन भेजते हैं तो आप उनसे पूछें कि आपको कितने केजी में वो केक चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छोटा केक है तो बहुत ज़्यादा वर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हर बार जब भी मैं डील करती हूँ तो मैं हमेशा जो है उसका साइज़ ज़रूर पूछती हूँ, उसका वेट ज़रूर पूछती हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कितना उस केक के ऊपर वर्क कर सकती हूँ। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारा काम जो है काफ़ी इजी हो जाता है। वैसे शुरू में मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं। डेकोरेशन, मैं किसी भी डेकोरेशन के लिए हाँ बोल देती थी, और मुझे पता नहीं होता था कि वो छोटे से केक पे नहीं आएगा, और काफ़ी सारे मिस्टेक्स हुए हैं शुरू में। लेकिन अगर आप शुरू से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। और बस यहाँ पे मेरा ब्लू स्टार भी मैंने बना लिया है, और इसे स्टैंडिंग पोजीशन में लगा दूंगी। हालांकि ये कितनी देर तक ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा मुझे भी नहीं पता। अगर यही मैं वायर की हेल्प से करती तो शायद अच्छे से रहता। तो ये रहा केक का फाइनल लुक, और इस केक का प्राइस मैंने 180 चार्ज किया था। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।